आप सबका इस्तकबाल है 10 News 247 पर। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद ओवरडोज मिल्क शेक्स फ्रेंचाइज शॉप में लगी आग। हबीबनगर के इलाके रविंद्र भारती स्कूल के सामने ओवरडोज मिल्क शेक्स फ्रेंचाइज शॉप में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। बताया जा रहा है कि 5 से 6 लाख का नुकसान हुआ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मौके पर फायर ब्रिगेड आकर आग पर काबू पा लिया। मल्लेपल्ली कॉरपोरेटर जफर खान मौके पर पहुंचकर मुआयना व जायजा किए। देखिए ये रिपोर्ट 10 News 247 के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद। हर अहम खबर से बाखबर रहने 10 News 247 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। नील बन जाए इनको उसको नहीं वो घोड़े में ज्यादा आंचे थे वो सर। हाँ निकाल दिया, कुछ भी नहीं आज थोड़ी देर तक कूल है तो जाके देख सकते हो। भाई मैं अंदर बैठे हुआ था, मैं लंच लाने के लिए बिरयानी लाने बाहर निकला, सोते पे ऊपर के लाइट्स नीचे गिरे, फ्रिज को आग लगी, एकदम लगी। मैं देखते फौरन भाई बाजू वालों भाई को आवाज़ दिया हो तो आए, तो आके पूरा पारी डालना शुरू करे भाई। उनमें कुछ भी गलती नहीं थी भाई, वो लाइट्स और फ्रिज को आग लगी। हुआ कैसा? शॉर्ट सर्किट है भाई। अब हुआ कैसा रहे भाई, वो लैपटॉप वो सब पड़े हुआ था भाई, कुछ भी पकड़ा करना चल रहा नहीं था। टाइम एक 45 मिनट्स पहले हुआ भाई। कौन सी दुकान है भाई ये? ओवरडोज है भाई। टाइम पे आए क्या? 15-20 मिनट लगे। कब डाले दुकान अभी? 1 मंथ हो रहा भाई। कितना लॉस हुआ इसमें आपको? 4-5 लाख कितना हुआ कि भाई? 4-5 लाख रुपए। जानी नुकसान कुछ हुआ किसी? नहीं नहीं हुआ भाई, मैं बाहर निकलते आग लगी भाई, पूरा जल गया भाई। आओ भाई।